हेलो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ए वी ऑटो ब्लॉग्स में दोस्तों पिछले वीडियो में हमने मिड साइज एस यू वी का सेल्स फिगर जाना था और इस वीडियो में हम टाटा नेक्सॉन और होंडा डब्ल्यू आर बी का डिटेल कंपेरिजन करेंगे तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो को फुल जरूर देखें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले इनके बेसिक इन्फॉर्मेशन इंजन स्पेक्स डायमेंसन और प्राइस को देख लेते हैं इंजन स्पेक्स की बात करें तो इनमें आपको डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलता है नेक्सॉन की बात करें तो नेक्सॉन में 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो 108.5 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है एट 4000 rpm पर और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 21.5 वन का माइलेज मिलता है और पेट्रोल की बात करें तो इसमें आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन मिलता है जो 118.36 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है और इसमें 17 के एमपीएल का माइलेज क्लेम किया जाता है वहीं डब्ल्यू की बात करें तो इसमें आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जिसमें 97.89 सेवन पॉइंट का पावर प्रोड्यूस होता है लगभग नेक्सॉन से 11 bhp पावर कम प्रोड्यूस होता है और इसमें 200 हंड्रेड न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट होता है जो कि टाटा नेक्सॉन से 60 न्यूटन मीटर कम है और माइलेज को देखते हैं तो इसमें आपको लगभग 2 के एम का माइलेज ज़्यादा मिलता है 23.7 थ्री पॉइंट के का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है और वहीं बात करें पेट्रोल इंजन की तो इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो 88.5 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है माइलेज की बात करें तो इसमें आपको लगभग हाफ के एम कम 16.5 पॉइंट के एम का माइलेज क्लेम किया जाता है चलिए डायमेंशन को देख लेते हैं होंडा डब्ल्यू आर में आपको थ्री नाइन नाइन का लेंथ मिलता है जो कि नेक्सॉन से सिक्स एम mm एम ज़्यादा है और वहीं बात करें विथ की तो आपको डब्ल्यू आर बी में सेवनटीन थर्टी फोर एम एम का विथ मिलता है जो कि टाटा नैक्सोन से सेवन एम एम कम है और वहीं हाइट की बात करें तो आपको होंडा डब्लू आर बी में फाइव एम mm एम हाइट कम मिलती है नैसों के कंपैरिजन में और ग्राउंड क्लियरेंस को देखते हैं तो आपको होंडा डब्लू आर बी में वन हंड्रेड एटी एट एम एम का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और टाटा नैक्सॉन में टू हंड्रेड नाइन एम एम का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है बूट स्पेस की बात करें तो आपको डब्ल्यू में 363 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और नेक्सॉन में 350 लीटर का बूट स्पेस मिलता है टर्निंग रेडियस देखेंगे तो आपको 5.1 मीटर का टर्निंग रेडियस नेक्सॉन में मिलता है जबकि थोड़ा ज़्यादा डब्ल्यू में 5.3 मीटर का मिलता है टर्निंग रेडियस जितना कम होता है उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है चलिए अब प्राइस की बात कर लेते हैं टाटा नेक्सॉन एक्स रूम प्राइस 7.10 पॉइंट वन से शुरू होकर 12.80 पॉइंट एट तक मिलती है और वहीं बात करें होंडा डब्ल्यू आर की तो ये एट लाख से शुरू होकर एलेवन पॉइंट तक मिलती है है दोस्तों ये तो हो गए इनके बेसिक इंफॉर्मेशन अब चलिए हम इनके फीचर्स को देख लेते हैं पहले हम उन फीचर्स के बारे में देख लेते हैं जो कॉमन है मतलब आपको दोनों में मिलते हैं तो पहले देख लेते हैं सेफ्टी कॉमन फीचर्स वो फीचर्स हैं एबीएस सेंट्रल लॉकिंग पावर डोर लॉक चाइल्ड सेफ्टी लॉक ड्राइवर एंड को ड्राइवर एयरबैग पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर सीट बेल्ट वार्निंग अजार वार्निंग फ्रंट इंपैक्ट बीम्स इंजन इमोबलाइजर क्रैश सेंसर सेंट्रली माउंटेड फ्यूल टैंक इंजन चेक वार्निंग ई रियर कैमरा एंटी डिवाइस स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स जैसे सेफ्टी फ़ीचर्स आपको होंडा डब्ल्यू आर और टाटा नैक्सॉन में मिल जाते हैं अब चलिए हम इनके कंफर्ट कन्वीनियंस के कॉमन फीचर्स को देख लेते हैं वो सारे कॉमन फीचर्स हैं पावर स्टेरिंग पावर विंडोज़ फ्रंट एंड रियर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल लो फ्यूल वार्निंग एसेसरी पावर आउटलेट ट्रंक लाइट रियर सीट हेडरेस्ट कप होल्डर फ्रंट एंड रियर सीट लंबर सपोर्ट मल्टी फंक्शन स्टीरिंग व्हील क्रूज कंट्रोल रियर पार्किंग सेंसर नेविगेशन सिस्टम स्मार्ट एक्सेस कार्ड इंट्री इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन वॉइस कंट्रोल टेलगेट आजार लेन चेंज इंडिकेटर एसी हीटर कीलेस इंट्री टेकोमीटर इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर फैब्रिक अफॉलस्ट्री लेदर स्टेयरिंग व्हील डिजिटल क्लॉक आउटसाइड टम्परेचर डिस्प्ले हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट डुअल टोन डैशबोर्ड एडजस्टेबल हेडलाइट पावर एडजस्टेबल ओ आर बी एम रियर व्यू मिरर रियर विंडो वाइपर रियर विंडो डिफॉगर अलाय रियर स्पॉयलर सन रूफ मून रूफ टर्न इंडिकेटर ऑन ओ आर बी एम इंडिग्रेटेड एंटीना रूफ रेल एल ई डी डी आर एल एल ई डी टेल लैंप्स। इंटरटेनमेंट फीचर्स को देखते हैं तो इनमें आपको रेडियो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यू एस बी ज्वेलरी इनपुट सेवन इंच टच स्क्रीन डब्ल्यू आर बी में थोड़ी कम साइज का 6.96 इंच का डिस्प्ले मिलता है जिनमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं डब्ल्यू में आपको फोर स्पीकर जबकि नक्सॉन में आपको एट स्पीकर्स मिल जाते हैं ये सारे कॉमन फीचर्स आपको होंडा डब्लू आर और टाटा नैक्सॉन में मिल जाते हैं तो चलिए अब उन फ़ीचर्स को देख लेते हैं जो डब्लू आर में मिलते हैं टाटा नक्सॉन में नहीं वो सारे फीचर्स हैं पावर बूट रिमोट फ्यूल लिड ओपनर रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप एक्टिव नॉइस कैंसलेशन हैंड फ्री टेलगेट लगेज हुक एंड नेट सिगरेट लाइटर रियर विंडो वाशर साइड स्टेप क्रोम गार्निश ग्रिल एलईडी हेडलाइट डे नाइट रियर व्यू मिरर क्लच लॉक ड्राइवर विंडो एंटी पिंच स्पीड अलर्ट टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील नेक्सॉन में आपको सिर्फ टिल्ट मिलती है तो ये तो सारे फीचर्स हो गए जो आपको डब्ल्यू आर बी में मिलते हैं टाटा नैसॉन में नहीं अब चलिए उन फीचर्स को देख लेते हैं जो टाटा नक्सॉन में मिलते हैं डब्लू आर बी में नहीं रिमोट ट्रंक ओपनर रियर ए सी रियर कप होल्डर फाइंड माई कार लोकेशन व्हीकल ट्रैकिंग स्मार्ट की कूल ग्लब बॉक्स थ्री ड्राइव मोड्स लेदर रैप्ड गियर शिफ्ट सेलेक्टर कॉर्नरिंग फॉग लैंप ब्रेक असिस्ट एंटी थैप्ट अलार्म साइड इम्पैक्ट बीम ट्रैक्शन कंट्रोल टायर प्रेशर मॉनिटर, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स फॉलो मी होम हेडलैम्प प्री टेंसनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट हिल असिस्ट जैसे फीचर्स आपको टाटा नैक्सॉन में मिलते हैं डब्ल्यू आर बी में नहीं तो दोस्तों यही सारे फीचर्स हैं जो आपको इन दोनों व्हीकल्स में मिलते हैं अगर सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी के मामले में टाटा नेक्सॉन में सेफ्टी के ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें आपका दिन शुभ हो धन्यवाद